मैं प्रवीण सुराना आप सबको नया संदेश दे रहा हूँ। नशे सूख जाने से आया हुआ कान का तमाम प्रकार का बहरापन बिना मशीन बिना ऑपरेशन के मिटाना दुनिया के लिए असंभव लग रहा है, पर हमारे लिए मात्र कुछ 3 घंटे का काम है। का जो ट्रीटमेंट था उसके बाद मेरी बेटी को काफी अच्छा मतलब फील हुआ, वो ये सुनने लग गई है। कैसे लगा? अच्छा, क्या आशीर्वाद? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ आके इधर, और बहुत पब्लिक था इधर, बहुत अच्छा हुआ। हेलो मानसी, कैम छो? आई एम फाइन। हियरिंग इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूव करती है, हियरिंग इम्प्रूवमेंट बढ़ाती है, वो बता रहा हूँ कि कैसे डाली जाएगी। ये गोल्ड है, गोल्ड इसका पैटर्न नाम, ये जो नाम है वो गोल्ड है। एक्चुअली वो पैटर्न के अंतर्गत होने से इसके इन्ग्रीडियंट आपको नहीं बता रहे हैं, पर कान में डालने की दवाई है और खाने की दवाई है, और ये भी है कि नाम की दवाई वो भी पैटर्न को ट्रेडमार्क एक्ट सुरक्षित है। दवाइयाँ नहीं है, पूरी ट्रीटमेंट सुरक्षित है, कोई भ्रम नहीं पड़े। मैंने दवाइयों के लिए कोई अलग से स्पेशल नहीं किया है, और ये पूरी ट्रीटमेंट है। मैं कोई दवाइयाँ नहीं बेच रहा हूँ, दवाइयों का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि चिकित्सा के द्वारा का उनका बहरापन को एकदम कम किया जा सकता है, या अनुकूल मिटाया जा सकता है, या हियरिंग इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। हमारा काम है हियरिंग इम्प्रूवमेंट करना, क्योंकि हम कोई क्लेम या बट्टा नहीं कर रहे। क्लेम करेंगे तो क्लेम में उलझ जाएंगे। हमारा काम है जब हमारी ट्रीटमेंट के प्रथम चरण के प्रथम तबक्के में सुनना प्रारंभ करवा देती है दवाई, तो कैसे डालना आप सुनिए। पहली ये दवाई है कान में डालने की दवाई, वी आई पी के 2-3 बूंद कान में डाल के सो जाए, 15 मिनट रखें, उसके बाद में खाली कर लें, उसके बाद में दूसरे कान में फिर VIP डालें और 10-15 मिनट रखें, खाली कर दें, फिर वापस पलटी मारने के बाद में गोल्ड नाम की दवाई से कान को भर दें और चारों तरफ से दूरी लगा के रखें, ताकि कान की दवाई इधर उधर न जाए, मुंह में न जाए, नाक में न जाए, तो नुकसान ना हो। कोई वैसे साइड इफेक्ट नहीं होती है, फिर भी ध्यान रहे किसी को जलन है, तकलीफ है, दर्द है, कान ओवर सेंसिटिव हो जाता है, 1000 में से एक आदमी को हो तो कान खाली कर दें, डरे नहीं। और हमने जो बताया है उस फार्मूला के हिसाब से बाकी दूसरी दवाइयाँ कर दें। धन्यवाद।